हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेशन मोड को आप शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेशन मोड जो है शेड्यूल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस पेज के अंदर आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल टास्क का, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको शेड्यूल टास्क के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल वाइब्रेशन मोड, ठीक है। इसे आपको इसके नेम के ऊपर ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है, शेड्यूल वाइब्रेशन मोड का। तो यहाँ पर आपका एक्टिवेशन टाइम, डीएक्टिवेशन टाइम और रिपीट, ठीक है, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपको पहले जो है एक्टिवेशन टाइम आपको सेलेक्ट करना है। आपकी एक लॉक ओपन हो जाएगी, आपको इस सुई के ऊपर उंगली को, इस सुई को दबा के रखना है, ठीक है, और इसे इस तरीके से घुमाना है। आपको पहले घंटे का टाइम आपको इसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं 8 यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर इसे उंगली को छोड़ देना है, ठीक है, हटा देना है सुई को। फिर इसके बाद आपको जो है सुई को दोबारा से पकड़ना है और इसे इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप जो अपना मिनट का टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको AM या PM इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। AM जो होता है ना आपका, AM ये आपका रात के 12 बजे के बाद से दिन के दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है, आपका AM होता है। अगर ये आपका टाइम अगर AM के अंदर आता है तो आप AM सेलेक्ट कीजिए। और जो आपका PM होता है ना, ये आपका दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक आपका PM होता है। तो आपका अगर ये टाइम अगर आप PM में आता है तो इसे PM सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद आपको जो है ना डीएक्टिवेशन टाइम का सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर अपना घंटे का टाइम पहले सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर जो है ना इसे 12 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने सुई को छोड़ दिया। आप सुई को एक बार सिलेक्ट करेंगे ना, फिर आपको इसके बाद ये यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं इसे मिनट यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके बाद आपको इसे AM PM दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन है रिपीट का, इसे सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर ये रिपीट का पेज ओपन होगा। इसमें से आप सारे ऑप्शन पे आप टिक मार्क लगा सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो किसी भी गिने चुने ऑप्शन पे आप टिक मार्क लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर इसे राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वाइब्रेशन मोड है आपका शेड्यूल हो जाएगा। अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपका जो है ना, जिस दिन जो भी दिन आपने सेलेक्ट किया है, जैसे मंडे सेलेक्ट किया है ना, तो मंडे को सुबह में 8:20 में मेरा वाइब्रेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये सेटिंग कैसे काम करती है, अगर कोई भी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपके फ़ोन पे या इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना कुछ इस तरीके से काम करती है आपकी मोबाइल फ़ोन की, ठीक है।